Hi guys, Nargis Sir's team here. This is Sahilesh. Karima. और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम लोग ट्रेलर लेकर आए हैं मेनाल मुरली. Yes, sorry guys, अगर हम गलत कर रहे हैं. साउथ इंडियन मूवी आ रही है उसकी, तो उसी का ट्रेलर है. Yes, हमने पोस्टर वगैरह देखे थे, काफी लग रहे हैं सुपर हीरो टाइप कुछ लग रहा है, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है. नेटफ्लिक्स में आ रही है जो दिसंबर में आने वाली, तो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हमें देखने को मिल रहा है कि सुपर हीरो टाइप के भी साउथ मूवीज में आ रही है. और ये अब तक का फर्स्ट मुझे लग रहा है. मैंने हमेशा देखा है कि साउथ में नई नई चीजें ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, और लोग काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ये देखते हैं ये कैसी है. ചെറിയ ചുമ ഒരാൾക്ക് ഇടിമിന്നൽ ഏറ്റാൽ മെഗാവാട്ട് കണക്കിലാണ് പവർ അയാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറുന്നത്. കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ്, ലങ്സ് ഫെയിലിയർ, സ്പൈനൽ കോർഡ് ഡാമേജ്, ശക്തമായ പൊള്ളൽ, ദൈവാധീനം കൊണ്ട് ഇതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. നിനക്കെന്ന് മിന്നലടിച്ചിട്ട് പ്രാന്തായ ഇത് പാകപ്പാടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയല്ലോ പുല്ല്. സാർ ഇപ്പൊ ചാടി കയറി ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിക്കണ്ട, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൺക്ലൂസീവ് ആയ എവിഡൻസ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടട്ടെ. എങ്ങനെ കൺക്ലൂസീവ് ആയ എവിഡൻസ് എന്തെങ്കിലും? സൂപ്പർമാൻ എന്നിവരെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ആരാമാര്? So 24 December को आ रही है, but Netflix पे आ रही है ये. Yes, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सब ताजल से थे, तो थोड़ा सा ना डिफिकल्ट हुआ जो हो रहा है कि हाँ. पर अगर मैं मुझे जो लगा थी कि वो इसमें ये है कि आई थिंक मतलब जो साउथ की जो मूवीज होती है वो काफी डेलिकेटेड मूवीज होती है, काफी ज्यादा ना एक टचिंग मूवी होती है कि वो हर जगह पर एक इमोशन लेकर आते हैं, एक फैमिली को लेकर आते हैं चीजें. और काफी ज्यादा मुझे ऐसा लग भी रहा था कि जो ये बैटमैन और ये जब सुपरमैन का जो आया है सीखे सुपर हीरो बनकर, ये काफी इंटरेस्टिंग और लोगों के लिए एक मतलब होता है ना एक लोगों के लिए एक आस है, कुछ ऐसा होता है कि यार कॉन्सेप्ट लेकर नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स में जितनी मैंने देखी है काफी ज्यादा मतलब होते हैं ना एक मतलब अच्छी टाइप होती है ना, बहुत अच्छी, जिसमें बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हाँ ये अच्छी हुई लग भी रही है, क्योंकि साउथ मूवी वैसे भी कभी डिसअपॉइंट नहीं करती है, ठीक है, नो डाउट है. एंड यहाँ पे ये जो मुझे ट्रेलर जितना भी हमें समझ में आया है काफी इंटरेस्टिंग, काफी अच्छा लग रहा है जो एक्टिंग की गई है, जो एक बच्चों की तरह बच्चे से बोल रहे हैं कि यार बैटमैन सुना है यहाँ पर क्यों कोई सुपर हीरो नहीं है, ठीक है, वो ट्राई करते करते. और वो साउथ इंडियन में उनकी एक और भी बात बहुत अच्छी कि ये लोग हमेशा ना न्यू एक्ट्रेस को बहुत ज्यादा चांस दे रहे होते हैं, तो इसमें मुझे आईडिया नहीं है अगर पुराना कोई एक्टर है या क्या बटन है उसमें, हमारे लिए तो फर्स्ट लग रहा है. नहीं भी अच्छा बहुत मूवी की होगी पर हम लोगों ने तो नहीं देखा, तो डेफिनेटली
तो बट हम लोग को ये बहुत अच्छा लगा है ट्रेलर अब तक का, अगर हिंदी में आ जाए तो बहुत क्या बात है। हिंदी में यार जल्दी आ जाए क्योंकि मैंने देखा आई थिंक ये साउथ में ही आ रही है की जल्दी से हिंदी में वो डब करके लिया ताकि हमें देखने में इनमें ट्रेलर में इतना मजा आ रहा था कि देखने में जो भी स्टोरी चल रही थी बहुत मजा आ रहा था। आई होप कि ये हिंदी में भी हो ताकि मूवी भी हम बहुत जल्दी देख ले हाँ और हम भी इंजॉय कर सके क्योंकि हमारे लिए तो सारे हिंदी में क्लियर होगा सारा exactly. डायलॉग क्या बोल रहे हैं क्या फन चल रहा है हमें फिर जब समझ में नहीं आएगा तो फिर थोड़ा सेंस नहीं बनता देखने का। बट हम वेट करेंगे 24 दिसंबर देखते हैं क्या होने वाला है। हम लोगों को भेजोगे लिंक तो गाइस हम यहाँ पर एंड करते हैं हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो फिर अल्लाह हाफिज़।